माय निस्टेरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आज रामनवमी की। और आप लोग यूं ही आगे बढ़ते रहें और खुद के अंदर विश्वास भी जगाएं, ठीक है। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय माता रानी, जय नौ देवी दुर्गा काली शेरा वाली मां, जय श्री राम सीताराम, जय हनुमान। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की, जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, दिव्य ऊर्जा, दिव्य पावर, दिव्य शक्ति गाइड करें। स्लोइंग डाउन भी है, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, एंजल्स प्लीज गाइड करें, द श्योर सेलिब्रेशन की एनर्जी, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स गाइडेंस अवेयरनेस, एंजल्स प्लीज गाइड करें। King of Swords, and this place guide again, the Photon, the Devil, Two of Swords, King of Pentacles, Temperance. What am the deck say here? Four of Wands and Four of Cups. So here Libra, Aquarius, Gemini, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। तो ये सन यहाँ पे स्ट्रांग है। बॉटम द डेक से है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे बॉटम द डेक से है अवेयरनेस। तो कुछ व्यूअर्स ध्यान रखना है, खुद पर भी, रिलेशनशिप पर भी, बहुत सावधानी से अपने लाइफ में एक बैलेंस करके क्रिएट करके चलना। कौन इंसान आपके लिए परफेक्ट है, कौन आपका अच्छा चल रहा है, अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, तो ये सब चीज पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। देखिए एनर्जी में तो एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ, और बहुत सारे व्यूवर्स आपके बदलाव की एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। सेलिब्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, द एम्प्रेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, उन्हें एहसास तो हो रहा है बट ये आपको नोटिस जरूर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप इंसान अच्छे हो, नो डाउट आप इंसान अच्छे हो, और चाहे वो आप अपने पार्टनर की या लोगों की, जैसे भी हो, आप हेल्प बहुत करते हो, ठीक है। नेचर वाइज आपकी खूबसूरती बहुत अच्छी है, नेचर में भी खूबसूरत हो, दूसरे के लिए सोचते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूज़न रहा है, बट मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आप कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी से निकलते आ रहे हो, मतलब आप निकल रहे हो, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है, और इस पर्सन को लग रहा है कि आप, देखिए इस पर्सन को भी लगता है कि आप इंसान बहुत अच्छे हो, बट कुछ ऐसे चेंजेस आपने किए हैं, उस वजह से ये पर्सन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, प्यार, इमोशन, सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को ट्रिगर करना
और एक दूसरे पर विश्वास ना करना, बार बार कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, ये चीज़ सही नहीं होती। देखिए ये फ्यूचर डिसीजन क्या लेंगे, ये तो अभी इतने प्रॉब्लम्स में हैं, ठीक है। तो आप लोग के बीच में अगर कन्फ्यूज़न रहा है तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर एक फ्रीडम आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप में चेंजेस आ रहे हैं या आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हो, खुद की हीलिंग कर रहे हो। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स आप दुआ भी कर रहे हो, प्रेयर प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन जिस तरह की इनके अंदर एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप में ना बहुत स्लो काम हो रहा है, बहुत स्लो, मतलब स्ट्रांग, मतलब ना ही एक डिसीजन हो पा रहा है और ना ही ये बहुत फास्ट डिसीजन ले पा रहे हैं। तो रिलेशनशिप में अभी भी बहुत स्लोइंग डाउन वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में कहीं ना कहीं ये जरूर सोच रहे हैं, आपका नेचर, आपका प्यार, आपका सपोर्ट सिस्टम एंड आपसे हीलिंग, वो इन्हें बहुत अच्छी मिलती है। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो तो देखिए एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये आपके साथ कुछ गलत भी हो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप किसी और के साथ सेलिब्रेट करो वो भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आज की एनर्जी में है कि इनके एनर्जी में, उनकी ज़िंदगी में अगर आप नहीं हो तो फ़र्क पड़ रहा है, चाहे वो स्ट्रांग फीलिंग्स हो या आप लोग से, आप लोग के रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि कन्फ्यूज़न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेयर प्रार्थना, और देखिए ये प्रेयर प्रार्थना आपसे ज़्यादा आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ द एम्प्रेस की एनर्जी है। या ये पर्सन एक तो पहली बात कि आपको खोना नहीं चाहते, अब आप उनकी ज़िंदगी में हो नहीं तो इस पर्सन को फ़र्क भी पड़ रहा है, और आपका जिस तरह का सपोर्ट रहा है इस पर्सन के लिए तो शायद वो चीज़ अब वो फील करें वो अब नहीं रहा। शायद हो सकता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिश्ते में, ऐसा उन्हें लग रहा है, चाहे झूठ हो सच हो जो भी हो, इस पर्सन के मन में कुछ ऐसी बातें चल रही है। लेकिन जो होता है इस रिलेशनशिप में काम स्लो दिख रहा है, स्लोइंग डाउन, ठीक है, स्लो हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने प्रेशर को कम करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो भी है, जो आपसे और आप दोनों के बीच जो जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, तो पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त उन्हें ये प्रेशर दे रहा है। लाख कोशिश करें चीज़ें सही हो, शायद इनकी एनर्जी इनको ही ट्रिगर करी, कुछ भी सही नहीं हो रहा। चाहे इनके अंदर में जो भी परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन ये है कि ये बैलेंस जरूर चाहते हैं, ये बैलेंस चाहते हैं। लेकिन इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप बिंदास रहने लगे हो, ये भी हो सकता है। आप लाइफ में ये जाना है कि मुझे खुद को कैसे बदलना है, ऐसा नहीं कि वो आपको गलत साबित कर रहे हैं, वो उनको प्यार, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो चीज़ इनको ट्रिगर कर रही है। और ये चीज़ आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अब आपको शायद फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनको फर्क पड़ रहा है आपके होने से या ना होने से। तो इस पर्सन को फर्क पड़ रहा है लेकिन आपको शायद फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ ये पर्सन कहना चाहते हैं कि हर वक्त सिर्फ आप अपने पर्सन को ही नहीं, हर लोगों की आप मदद करना चाहते हो और आपने ऐसा किया है, ठीक है, आप पीछे नहीं हटते हो। अगर किसी तरह आप दोनों के बीच में किसी तरह का प्रॉब्लम्स आया हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं या आपको ट्रिगर कर रहे हो या आपको किसी तरह का ब्लेम कर रहे हो किसी और को लेकर, तो यहाँ पे ये चीज़ ये दिख रहा है कि इस पर्सन को ये अनुभव हो रहा है, लेकिन खुद की एनर्जी को इतना ही ट्रिगर कर रहे हैं तो ये रिश्ते को क्या निभाएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है हर कोशिश ये पर्सन करे द श्योर जजमेंट एंड टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी, हर ये कोशिश करने की आपसे मुलाकात और बात हो जाए, ठीक है, या आपको ऑफर करने की सोच रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी प्रकार का इनके अंदर जो एंजाइटी, ट्रिगर, स्ट्रेस और गुस्सा है, जो ये अपने अंदर कमी फील कर रहे हैं, वो है इनके हीलिंग और आपका सपोर्ट, आपका प्यार, ठीक है। ये पर्सन को प्रेशर बटन बहुत चीज दे रहा है, क्योंकि बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ये कुछ वर्ष आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपके कॉन्फिडेंस, कन्फ्यूजन दूर करने का और अपने अंदर की कमियों को सुधारने का, खुद पर फोकस करने का। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन कुछ व्यूअर्स में हुआ है, जहां बहुत कंफ्यूज रहे हो इस रिलेशनशिप में, तो अब कंफ्यूजन आपकी दूर हो रही है, खुद पर वर्क कर रहे हो। लेकिन ये असर आपके पार्टनर के ऊपर क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो,
देखिए इस वक्त मुझे लग रहा कि बहुत सारे व्यूअर्स आपको इस पर्सन से अभी भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप या आपके पर्सन। किसी के लिए फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, किसी के लिए शहर डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग है इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन खुद को इतना ट्रिगर कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे कि आपने दिया है, आप नेचर वाइज अच्छे हो, ये नोटिस कर रहे हैं। लेकिन इनको, इनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आपके लिए जो ये सोच रहे हैं, वो फर्क वाली वाइब्रेशन है, ठीक है। फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, लेकिन उनको फर्क पड़ रहा है, ये वाली वाइब्रेशन है। ये फ्यूचर डिसीजन क्या लेंगे, इस वक्त तो इतने ही, ये खुद कंफ्यूज्ड हैं और ये कहीं ना कहीं ये आप खुद को ट्रिगर कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। लेकिन ये एनर्जी है कि आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके आंखों की पट्टी खुली भी है और कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को समझे हो, रिलेशनशिप को समझे हो, और कुछ व्यूअर्स आप अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड भी कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, या आप किसी को गाइड कर रहे हो, या किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या फिर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, या ये किसी से हेल्प ले रहे हैं, ये गाइडेंस ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, फ्रेंड भी हो सकते हैं, अदर कोई इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके पार्टनर को समझ सकता है, अच्छे से गाइड कर सकता है, ताकि वो आपकी तरफ एक्शन ले, डिसीजन ले, ठीक है। तो आज की एनर्जी में भी देख सकते हो इस पर्सन के अंदर किस तरह की भावनाएं हैं, लेकिन इनकी एनर्जी देखिए स्लोइंग डाउन की है, ये चाह बहुत रहे हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर खुद ट्रिगर कर रहे हैं, यहां आपकी गलती मैं कहीं नहीं देख पा रही हूं। अभी 100% यहां पे आपके पार्टनर की ही गलती है, चाहे उनका स्वभाव हो, या खुद को ट्रिगर कर रहे हो, या कंफ्यूजन हो, जो भी है, स्लोइंग डाउन है, या जजमेंट हो, या द वर्डन हो, या किंग ऑफ सोर्स हो, सिर्फ प्यार इमोशन शो करने से नहीं होता, ठीक है, निभाने से होता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर जिस तरह के जोश में हैं, मुझे लगा कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे मिलना भी चाहते हैं और आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन मनाने से पहले ये 100 बार सोच रहे हैं कि उल्टा पलट कर कुछ आप जवाब तो नहीं दे दोगे। ये पर्सन इस वक्त काफी सोच रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन काफी सोच रहे हैं, लेकिन हाँ एक चीज दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ ये काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स देखिए, अगर आपके कॉन्फिडेंस लेवल में चेंजेस आए हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ पे द शो टेन ऑफ वांड्स, देखिए आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन ही नहीं है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये सिर्फ इनके अंदर बर्डन नहीं, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हैं, ठीक है, ये भी एनर्जी है। तो इनको इस वक्त आपका सपोर्ट की, मतलब होता है ना इंसान बस मुझे सपोर्ट करे, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि अगर गाइडेंस ले रहे हैं तो किसी से हीलिंग भी ले रहे हैं, जो भी हो आपके पार्टनर किसी से ही गाइडेंस ले रहे हैं, ये नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप कुछ अपने ऊपर गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं या आप किसी कुछ लोगों को गाइड कर रहे हो। देखिए कुछ वर्ष आपकी एनर्जी है, कुछ वर्ष आपके पार्टनर्स की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी है अच्छी, मैं बहुत नहीं कह पाऊंगी, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ एक चांसेस दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और रीयूनियन चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन का, अप्रोच करने का, ऑफर करने का, कम्युनिकेट करने का, लेकिन यहाँ भी कन्फ्यूजन है। तो आपसे ज्यादा आपके पार्टनर कन्फ्यूज हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपके पार्टनर कन्फ्यूज हैं। और यहाँ पे देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स, 11-11 की एनर्जी, तो आपके पार्टनर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो उनको एक सुधार के लिए हो रहा है, इस रिश्ते में उनको वर्क करने के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी है और एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो इनको सोचने दीजिए, थोड़ा इनको स्पेस दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग की रियूनियन हो रही है तो थोड़ा सा सावधानी के साथ बात करना है, क्योंकि अवेयरनेस की एनर्जी आई है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपको अवेयर भी रहना है, ठीक है। इस वक्त इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, सिर्फ ये चीज है कि बहुत ज्यादा ये पर्सन अपने गलतियों को नहीं टटोल रहे हैं, बस ये आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप नेचर वाइज इतने अच्छे, इतने सपोर्ट करते थे, आज आप बिंदास हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आप अपने कन्फ्यूजन को दूर किया है, अपने लाइफ में कुछ डिसीजन लिया है, या आपने आपको बदलने की कोशिश की है, तो ये चीज मुझे दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों की रियूनियन मुझे होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, कुछ लोग के पार्टनर रियूनियन चाह रहे हैं। और यहाँ पे फोन नंबर इंपॉर्टेंट, आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर, और थ्री नंबर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर, क्योंकि कुछ लोग के लिए रियूनियन के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर बहुत स्लो हैं, क्योंकि अगर उनकी अवेकनिंग हो रही है
तो कुछ तो बात है भाई, तो थोड़ा ये वक्त तो जरूर लेंगे। लेकिन यहाँ खुलकर अगर बात नहीं कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इनके मन में है कि आप उनसे दूर चले गए, आपको इस रिश्ते से फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपकी एनर्जी में है कि आप काफी स्मार्ट हो चुके हो, अब आप इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको नोटिस करना, आपके बारे में सोचना। देखिए इन्होंने जो गलतियां की है सो की हैं, ठीक है, ये सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, स्ट्रांग डिसीजन लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। प्यार तो दिखता है, चाहत तो दिखता है, ये पर्सन के अंदर सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये पर्सन थोड़ा सा देखिए अभी भी सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं, ये वाली एनर्जी है। बट बहुत सारे व्यूअर्स जहां नीड है आपके पार्टनर की आपसे, तो कुछ लोगों की रियूनियन के चांसेस है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर इस अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, उनकी हीलिंग हो रही है, थोड़ा स्लो हो सकते हैं लेकिन वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर के परिवर्तन में देखकर मुझे लग रहा है कि आज उनको बहुत फर्क पड़ रहा है। आपने खुद को कंट्रोल किया है, खुद को स्पेस दिया है, खुद को फ्रीडम दिया है, खुद के अंदर बदलाव लाए हो, तो देखो इनको फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और ये फर्क जब पड़ता है तो क्या कुछ होता है आपको पता है, सबसे ज्यादा ट्रिगर उन्हीं को पड़ता है। तो आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट भी है, न्यू बिगिनिंग भी चाह रहे हैं, लेकिन लाइफ की सिचुएशन जैसे हैं तो ये थोड़ा स्लोइंग डाउन है। मतलब आप चाहोगे फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, तो इस वक्त ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग कन्फ्यूजन है, किसी और के वजह से आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसे ये ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इन्हें क्या लग रहा है कि शायद आप अपने दोस्त में अपने लाइफ में फन मस्ती मजाक कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कभी कभी इन्हें भी लग रहा है, कभी ट्रिगर खुद को करते हैं, तो जाने दो रहने दो, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं, फिर ये आपकी यादों में ही है, खो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोल दूं अगर ये पूरी तरह बैलेंस लाएंगे रिलेशनशिप में, इस रिश्ते पे अगर पूरी तरह प्रॉपर ढंग से आपसे बात करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, तो भाभी ये स्लोइंग डाउन है। बस इस वक्त उन्हें आप चाहिए, रिश्ते में बैलेंस चाहिए और रियूनियन चाहिए, ठीक है। ये पर्सन देखो जैसे भी है काफी स्मार्ट रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज इनके स्मार्टनेस में बहुत ज्यादा उनको ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन चाहे वो अपने गलतियों को ढूंढ रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं और डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में इतने प्रेशर इतने बर्डन है कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर या मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं, या अपने हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। अब गाइडेंस देखिए कैसे भी होता है, चाहे वो डॉक्टर से सलाह ले रहे हो या कोई स्पिरिचुअल गुरु से ले रहे हो, जो भी रिलीजन के हो, कहीं ना हो सकता है ये भी एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो या कोई हीलर हो सकता है कि आपके पार्टनर उनसे भी हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि इनके हेल्थ इशू जैसे इनके मेंटली फिजिकली एंड फाइनेंशियली जिस तरह परिस्थिति है आपके पार्टनर की, उस पर ये वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उनको लेकर ये गाइडेंस भी ले रहे हैं, और मुझे लग रहा है किसी फ्रेंड से भी ले रहे हैं। और मुझे बहुत सारे आपके पार्टनर अपने हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आगे कैसे बढ़ना उस पर भी ये गाइडेंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके रिलेशनशिप में इतना कंफ्यूजन है कि ये पर्सन खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, तो गाइडेंस को कैसे फॉलो करेंगे। सिर्फ गाइडेंस लेने से नहीं होता है, गाइडेंस को फॉलो करने से होता है। देखिए आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको प्यार करते हैं, और यहाँ पे एक चीज है कि ऑफर करना चाहते हैं, और यहाँ पे रियूनियन चाह रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर को ये एहसास है लेकिन एक्सेप्ट नहीं है, समझ गए। इनको प्यार का एहसास है, आप बदलो, ये उनको प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर, लेकिन क्या है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त इनके अंदर जो एनर्जी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूर है, लेकिन बहुत सारी गलतियों को भी ये अभी इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि इनसे गलती हुई है, ठीक है। देखिए मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स आपकी प्रेयर प्रार्थना भी जारी है, मैं ये भी देख पा रही हूं कि रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हो, काश आपका रिश्ता फिर से स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर आप स्ट्रांग डिसीजन भी लेना चाहते हो, आप प्रेयर प्रार्थना भी कर रहे हो कि आपके पर्सन स्ट्रांग डिसीजन ले इस रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है। मुझे लग रहा बहुत सारे व्यूअर्स यहां पे आप लोग के बीच में, या ये आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, या प्रॉपर ढंग से आपको कमिटमेंट की बात नहीं कर पा रहे हैं, या कमिटमेंट इश्यू के वजह से आप लोगों में डिस्टेंस हुआ है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ, प्यार तो है, नो डाउट प्यार है, नो डाउट मैं यहाँ कहूँगी, लेकिन अवेकनिंग, गाइडेंस, एनर्जी में उतार चढ़ाव, ये कुछ हो रहा है आपके पार्टनर के साथ।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने अपने कन्फ्यूजन को दूर करना सीख लिया है तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन है, लाइफ में फन है, मस्ती है, मजा है। और बहुत सारे व्यूअर्स, आपको अपने पार्टनर को इस वक्त थोड़ा स्पेस दीजिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस वक्त, वो आपके बारे में फील करें कि आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है उनकी जिंदगी में। ठीक है, ये कंफ्यूज क्यों हुई, आपको नोटिस क्यों कर रहे हैं, आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। तो ये पर्सन को याद रखिए कि ये थोड़ा इनको स्पेस देने से क्या होगा, ये वर्क कर पाएंगे। ठीक है, और मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आपकी फ्रीडम सोच हुई है, आप फन मस्ती मजाक कर रहे हो, लाइफ में कंफ्यूजन आपकी दूर हुई है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे मिलने आना चाहते हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आपसे मुलाकात हो, रियूनियन हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ चांसेस हैं कि कुछ व्यूअर्स आपको, आपके पार्टनर अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है तो रियूनियन के चांसेस है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ट्रिगर में है। ठीक है, अब प्लानिंग की बात की तो ये प्लान क्या करें, ये काम भी करेंगे इस रिलेशनशिप पे, स्ट्रांग डिसीजन भी लेंगे, तो इस डिसीजन में ये स्लो है। बट ऐसा नहीं है ये स्लोइंग डाउन की एनर्जी, कछुए की चाल, तो कछुए की चाल में जीत होती है, बट काम स्लो होता है, लेकिन जीत पक्की होती है। ठीक है, तो देखिए कुछ व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में प्रोसेस जो है, काम जो कर रहा है वो थोड़ा धीरे है, बट आपको ये ढूंढ रहे हैं, आपको ये चाह रहे हैं। ठीक है, अभी डिफरेंट 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 टाइप की एनर्जी इनके अंदर ट्रिगर कर रही है, और इस कनेक्शन में अच्छा क्यों नहीं कुछ चल रहा इसके बारे में भी सोच रहे हैं। जय माता दी, शंख की आवाज आई इसलिए, जय माता दी। तो इस पर्सन को आप थोड़ा फ्री छोड़ दीजिए, ये खुद आपकी तरफ आएंगे जिस तरह इनके हालात हैं, बस आप अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए और खुद पर वर्क कीजिए। तो देखिए इनकी एनर्जी में है बाबू, काम स्लो होगा, बैलेंस करेंगे, ये नहीं कि वो बैलेंस नहीं करेंगे, वो बैलेंस करेंगे। ठीक है, अगर जिनकी पार्टनर बहुत ज्यादा आपको ट्रिगर करते हैं, बस आप उनको थोड़ा फ्रीडम दे दीजिए, स्पेस दे दीजिए, फिर सब कुछ सही होगा। तो देखिए यहाँ कुछ रियूनियन होने वाली है, सेलिब्रेशन हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कुछ व्यूअर्स आप प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो रिश्ते को बैलेंस करने के, किसी तरह रिश्ता बैलेंस हो जाए। ठीक, लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगी, अगर आप रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो तो आपको इमोशंस में बहुत नहीं बहना है, इमोशंस में बहोगे तो फिर ये आपको ट्रिगर करेंगे। जिस तरह आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हो और दुआ प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए, जजमेंट चाहिए, तो खामोशी से ही ये वर्क होता है। ठीक है, तो अपने आप को कंफ्यूज ना करें, काम हो रहा है, प्रोसेस धीरे है, कुछ के लिए प्रोसेस धीरे है, और कुछ आपके पार्टनर रियूनियन में आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा आपकी जरूरत फील हो रही है उन्हें। ठीक है, तो मन में डर भी है, बहुत तरह की बातें हैं आजकल, ये जरूरत से ज्यादा स्मोकिंग वगैरह भी करने लगे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, या मेडिसिन का सहारा लेने लगे हैं, इसलिए किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर से हो या स्पिरिचुअल गुरु से हो या एस्ट्रोलॉजर से हो या टैरो कार्ड रीडर से हो, जिस तरह से भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि खुद की एनर्जी को ये बैलेंस करना चाहते हैं, जो इनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां भी देखिए टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक कार्ड नेक्स्ट एक्शन के लिए देख रही हूं, नेक्स्ट एक्शन के लिए। तो देखिए कुछ व्यूअर्स आपके रियूनियन होगी तो कमेंट में लिखिएगा, कुछ लोग की एनर्जी में अभी आपके पार्टनर को ट्रिगर मिल रहा है, और वो भी डिवाइन की एनर्जी। देखिए फिर से ये कार्ड आया, मैंने क्या किया, उनके हालात सही नहीं है, जरूर डॉक्टर की सलाह ये ले रहे हैं, या इनको कोई समझ नहीं पा रहा इस वक्त, जितनी आपकी नीड हो रही है ये अनुभव हो रहा है, बट इस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए हिम्मत तो जुटाना पड़ेगा ना, बातचीत कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। देखिए लेकिन आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हर तरह से लॉसेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर कमिटमेंट इशू को लेकर वो खुलकर आपसे बात नहीं करें, अगर वर्क भी करना चाहते हैं तो आपसे बात करेंगे तो आप 100 सवाल करोगे तो एक ही जवाब नहीं देंगे और आप दोनों में फाइटिंग झगड़े होंगे, इसलिए इस पर काम स्लो हो रहा है, इसलिए आपको खुद पर भी वर्क करना है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर की जरूरत है, कॉल मैसेज कर सकते हैं, सेलिब्रेशन है, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अपने लाइफ में थोड़ा अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाह रहे हैं, उसके बाद इस रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, और कुछ व्यूअर्स आपकी रियूनियन होने वाली है और कुछ लोग की कॉल मैसेज भी आने वाली है। ठीक है, सेलिब्रेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन काफी है, लेकिन खुद को बदल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आज दोपहर की एनर्जी में बहुत सारे व्यूअर्स कॉल मैसेज आ सकता है, सेलिब्रेशन है और
आप समझ ही रहे हो आपके पार्टनर को क्या कुछ चाहिए। प्यार, इमोशन, सपोर्ट आपका बहुत चाहिए, आपका केयरिंग नेचर भी चाहिए। तो सेलिब्रेशन है, रीयूनियन है, कॉल मैसेज जरूर आ रहा है, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।